मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। से लास्ट ब्लॉग में आप जैसे कि देखे कि ट्रेन से मैं उतरा, उतरने के बाद मैं लगभग 10 बज चुके थे और उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग खत्म किया लास्ट वाला। तो उसके बाद भैया आए हुए थे करने, तो लगभग 10:30 को हम निकले स्टेशन से और से आपका जो मामा का घर है, हम महुआ बस्ती बोलते हैं, 8-9 किलोमीटर से वहाँ से। तो घर में पहुँचते पहुँचते 11 बज चुका था। 11 बजने के बाद मैं खाना बना के सो गया। उसके बाद अगले दिन जब उठा तो कम से नाक बंद हो चुकी थी और कम वैसे ट्रेन भी लग चुकी थी। तो उसके बाद उस दिन और ज़्यादा हो गया। ज़्यादा होने के बाद मैं अगले दिन ब्लॉग नहीं किया। उसके बाद पूरे दिन रेस्ट लिया। रेस्ट लेने के बाद जब शाम को थोड़ा आराम मिला तो शाम को निकला भैया का साथ थोड़ा घुमा फिरा। तो आज निकले, अभी हम सब निकले, हमारे फैमिली मेटरनल फैमिली जो कि अभी सब रेडी भी हो चुके हैं, मैं भी रेडी हो चुका हूँ, आप देख ही सकते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं मंदिर पे, एक यहाँ से 3-4 किलोमीटर का है दर्शन करने। बहुत मतलब फेमस मंदिर है और बहुत पावरफुल है, मन्नत मांगते हैं क्योंकि वो सब पूरा होता है इस मंदिर से। तो अभी चल रहे हैं। बहुत मैं लास्ट जब यहाँ पे आया था ऑलमोस्ट 4 ईयर्स एक 5 ईयर्स एगो जब आया था तब मैं दर्शन करने गया था। तो आज चलते हैं, आप लोगों को भी दर्शन कराते हैं। आप लोग बने रहिए और मेरे जो जो नए लोग हैं चैनल पे और वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो देख रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं उनको भी बोल रहा हूँ आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को मैं ट्राई कर रहा हूँ अच्छा से ब्लॉग ब्लॉगिंग करने का, अभी नया नया हूँ तो ब्लॉग अच्छा से बोल नहीं पा रहा है। तो आप लोग देखेंगे, सपोर्ट करेंगे तभी अच्छा से होगा। तो सपोर्ट करिए, अभी हम निकलते हैं। चलिए, ये देख सकते हैं, अब जस्ट शू पहनेंगे तो हम बाइक से जाएंगे, बाकी सब तो ऑटो से जा रहे हैं। ये बाइक निकलने वाले हैं, अभी यहाँ से निकलते हैं बाइक, देखते हैं आपको आगे, बने रहिए। तो फ्रेंड्स, बाइक का प्लान ड्रॉप करके मैं भी ऑटो पे आ गया सबके साथ। तो पहुंच चुके हैं यहाँ, ये देख सकते हैं मंदिर, और ये गेट मंदिर का। यही है पहुंच गए। हाँ, तो रास्ता बन गया, पहले रास्ता नहीं बना था, आगे बन रहा। तो पहुंच चुके हैं अभी हम सब, ये मंदिर है। भर्जुना माई का मंदिर है ये, दर्शन करते हैं। तो अभी प्रसादी ले रहे हैं हम चढ़ाने के लिए। नहीं, 140 का आधा किलो, 160 का आधा किलो। आधा किलो कितना? 140। लड्डू कैसे दे रहे? लड्डू 100 का आधा किलो। सौ का आधा किलो, 140 का आधा किलो। तो प्रसादी ले चुके हैं आप, चलिए अब चल कर वहाँ पे पैर हाथ धोते हैं, धोकर मंदिर पर चलते हैं। चलिए तो भाइयों, आप देख सकते हैं गेट बंद है, अभी दर्शन तो ऐसे कर रहे हैं सब, पर गेट बंद करके रखा हुआ है, भीड़ कम है इसी वजह से।
तो यहीं पे आए हुए हैं अभी। पंडित जी आके गेट खोले हैं, गेट खोल के सबका प्रसाद चढ़ा रहे हैं, हमने भी चढ़ा दिया। दर्शन हो चुका है, मूर्ति मूर्ति दिखा दी तो आप। अब हम लोग आ गए शंकर जी के मंदिर में, भोलेनाथ जी का। तो ये मंदिर में अभी हम लोग पूजा कर चुके हैं, मैं कर चुका हूँ पूजा। तो अब मेरी मौसी लोग कर रही है सब। अब बैठे हुए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, मस्त हवा चल रही है, पर हवा गरम गरम हवा चल रही है ना, तो अलग ही लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है, ख़राब भी लग रहा है गर्म से, गर्म हवा की वजह से। तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा मध्य प्रदेश में गर्म हवा, मतलब इस अप्रैल मई के समय में चलना स्टार्ट कर रही। लू कहते हैं जिसे, अभी स्टार्ट किया, अभी जस्ट 5-6 दिन हुआ है स्टार्ट किया हुआ ये हवा, गर्म हवा चल रहा। सो अलग ही लग रहा है, अजीब लग रहा है, लग रहा है देह जल गया गर्म हवा जब मारते हैं। तो रूम के देख के अभी बस बैठे हुए, अब 6 मौसी है सब पूजा कर रहे हैं वन बाय वन। अच्छे से दर्शन हो गया, आप निकले, आप चल रहे हैं ऑटो की तरफ। दर्शन अच्छे से हो गया सबका, सबको जब प्रसाद सभी दिखा लिए, चलते हैं ऑटो की तरफ। फिर बड़ा जल रहा है, तरफ चल के जूता वूता पहनते हैं और फिर निकलते हैं इधर से वापसी घर की तरफ। बड़ा पेड़ जल रहा है। जय 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 घर। अभी खाना वाना खा के बैठे हुए हैं, तो मेरे को अभी खुलवा दिया। तो अभी बैठे हुए हैं खाना वाना खा के, बहुत ही ज्यादा गर्मी है, पागल हो जाऊंगा और एक हफ्ता रहूंगा तो यार। तो फटाफट निकलेंगे, 2-4 दिन और रहेंगे, खतरनाक गर्मी है, खतरनाक। आप देख सकते हैं ये कूलर का सामने बैठे हुए एकदम। तो मिलते हैं शाम को। चेरी चेरी, अरे चल हट हट, चेरी क्यूटी चेरी। चलो तो फ्रेंड्स, भैया के घर पे आए हुए थे थोड़ी देर, यहाँ पे स्पेंड किए, बाहर तो गए नहीं कहीं पे, अब जा रहे हैं मामा के घर पे वापस। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो करिएगा ही, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। थैंक यू देखने के लिए, चलिए।